विद विनिश। आज हम आपको कलर अप्लाई करना सिखाएंगे। ये देखें, आज मैं जो है 6.67 जो कलर है वो यूज़ करने लगी हूँ विद डेवलपर के साथ, ठीक है। और ये देखें, मैंने इसको मिक्स कर रही हूँ ये, और ये मिक्स हो गया हमारा कलर। अब हम जो है सेक्शन निकाल के आपको अप्लाई करना सिखाएंगे। ये देखिए इस तरह से, ये आप देख सकते हैं हाफ पार्ट पे मैं लगा चुकी हूँ और हाफ पे मैं अब दोबारा से लगाने लगी हूँ। ये देखें, दरअसल इनके बाल जो हैं वो ब्लैक हैं, जस्ट ये शाइन के लिए ये कलर चाह रही थी। हमने इनसे कहा कि यार आप मेहंदी मत लगाइएगा, क्योंकि मेहंदी जो है वो बहती है तो उससे कपड़े भी ख़राब होते हैं और फेस भी ख़राब हो जाता है, ये वजह है। अगर जो लोग मेहंदी को लाइक करते हैं तो गर्मियों में फिलहाल वो ना लगाएं, वो ये कलर लगा सकते हैं। इससे आपकी ग्रे हेयर भी कवर हो जाएंगे और आपके बालों में बहुत अच्छी शाइन भी आएगी। इसका सेक्शन निकालें, आप साथ कॉम करते जाएं। कॉम करने से ये बेनिफिट होता है कि आपके लेंथ में कलर जो है वो चला जाता है। वन बाय वन जो है लगाते जाएं। एरिया से हमने क्लियर कर लिया है इनका, और अब हम इनकी बैक साइड पे लगाने लगे हैं, नीचे हेयर्स पे। ये देखें, इसके सेक्शन हमने इस तरह निकालने हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इस तरह जो है आपका मतलब कम कलर में पूरा जो सर है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो आप पूरी पूरी ट्यूब लगाते हैं फिर कहीं जाके आपके सर पे पूरी आती है, तो ये है कि आप हाफ ट्यूब में भी ये जो है अपना सर जो है पूरा कवर कर सकते हैं। ये देखिए, फिर ये है कि इक्वल कलर आएगा आगे पीछे। आप देख सकते हैं हमने सेक्शन निकाला और ये हमने कलर अप्लाई कर दिया, ठीक है। यह है कि इस तरह से आपके सभी रूट्स जो हैं वो कवर हो जाएंगे। सर बाल पर उठा के ये नीचे से भी क्लियर करें इसे। ये देखें इस तरह से नेक को बचाते हुए सिर्फ बालों को ही कवर करना है। ये देखिए इस तरह से,
ये बहुत आसान तरीका है कलर लगाने का। ये देखिए बाद में अच्छी तरह इसे राउंड घुमाकर इन बालों को ऊपर कवर कर दें इस तरह से। और इसको पिन अप कर दें, ठीक है। और इसके ऊपर जो है हम शापर डाल देंगे ताकि जो इसमें कुदरती जो हीट होती है उससे कलर का जो कलर है वो बहुत अच्छा आता है। आप देख सकते हैं इस तरह से हमें इनका हेयर जो है वो कवर कर दिए हैं। बास लोग जो है वो कलर लगा के वो हीट देती हैं बास सैलून वाली, लेकिन हम हीट नहीं देते। हम चाहते हैं जो कुदरती हीट है वो ही उन उसी से ये जो कलर है वो ज़्यादा अच्छा आएगा। और ख्याल रखिएगा कि फेस पे स्किन पे कहीं ना लगे। अगर पर्स करें जैसे कि ये देखिए आप, मैं इसको मतलब कवर कर रही हूँ शॉपर लगाते हो तो इनके कान पे थोड़ा सा कलर लग गया है। तो कलर जो है इसको अक्सर लोग जो है ये लगाते हैं लेकिन वो भूल जाते हैं कि यार इसका कलर हमारे फेस पर भी आ सकता है, इसीलिए इसको कलर अप्लाई करने के बाद अगर फेस पे स्किन पे कहीं भी लग जाए तो नेल रिमूवर जो होता है, ये आजकल इसके टिश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, आप इसके साथ इनको क्लियर करें। ये देखें कान पे कहीं भी नहीं रहा, कलर बिल्कुल नहीं आया। अगर घर जाकर भी फर्स करें अगर फेस पे कहीं लग गया है कलर तो आप नेल रिमूवर के साथ रिमूव कर सकते हैं या डिटॉल के साथ। इससे ये है कि आपका फेस कहीं से भी मतलब कलर नहीं आएगा आपके फेस पे और नीट क्लीन होगा, ठीक है जी। ये तो थी हमारी आज की वीडियो। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।